क्वीन एकता कपूर का जलवा टीवी इंडस्ट्री में कैसा है ये तो आप सब जानते हैं। आप सबको तो पता ही है इस जलवे का एक कारण नागिन सीरीज भी है, जिसने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखते ही धमाका मचा दिया था। कोई सा भी सीजन अगर आप उठा के देखेंगे तो टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर ही मिलेगा। वहीं पे जहां नागिन सीजन 6 ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था, उसके एंड के बाद लोगों के बीच में ये क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि अब नागिन 7 में क्या नया होने वाला है और वो हम सबके बीच में कब आने वाला है। फैंस काफी अरसे से नागिन सीजन 7 का वेट कर रहे थे, पर नागिन सीजन 7 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ कारणों की वजह से हो सकता है नागिन सीजन 7 2024 में ऑन एयर नहीं हो पाएगा। अब इसके पीछे क्या कारण है तो आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाली हूँ। क्या है वो दो मेन कारण जिसकी वजह से फैंस को इस साल भी नागिन का वेट करना पड़ सकता है, तो बात करते हैं पहले कारण से। पहला कारण है नागिन सीजन 7 की लीड एक्टर अब तक फाइनल नहीं हुई है। नागिन सीजन 6 के सुपर हिट होने के बाद अब नागिन सीजन 7 के लिए लीड एक्ट्रेस की खोज जारी है। आप सबको तो पता ही है बीच में प्रियंका चहर चौधरी, उसके बाद अंकिता लोखंडे, फिर सुम्बुल तौकीर खान का नाम आया था और हम सबको लग रहा था कि शायद प्रियंका चहर चौधरी फाइनल हो चुकी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी एक्ट्रेस को लेकर फाइनल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। मेकर्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं मेन लीड को लेकर, इसीलिए अभी तक मेन लीड फाइनल नहीं हुई। और अगर जब तक शो के लिए मेन लीड फाइनल नहीं होगी तो शो कैसे ऑन एयर किया जाएगा। नागिन सीजन 6 ने जब एंट्री मारी थी तो उसकी कास्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि उसने पिछले सारे सीजन्स का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो अब मेकर्स कोई भी गलती नहीं कर सकते, इसीलिए शायद वो और ज्यादा वक्त लेंगे लीड एक्ट्रेस को फाइनल करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण के लेकर, कहानी। जी हाँ दोस्तों, नागिन सीजन 7 की कहानी को लेकर भी मेकर्स गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछले जितने भी सीजन आप सब ने देखा है उसमें कुछ न कुछ यूनिक और कुछ न कुछ नया था, और खुद से ही अब खुद का कंपटीशन है तो मेकर्स कैसे गलती कर सकते हैं कहानी को लेकर। नागिन सीजन 7 की कहानी को लेकर मेकर इस बार बहुत ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि पिछले सीजन ने जो हाइप क्रिएट की है उसको कम नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, जब एकता कपूर का नाम जुड़ा है और इतना ज्यादा बजट वाला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो उसको लेकर कोई गलती नहीं की जा सकती। ये दो मेन कारण अभी तक सामने बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें इस साल भी नागिन सीजन 7 का वेट करना पड़े। मगर एकता कपूर ने सीजन 6 के एंडिंग के वक्त ही प्रॉमिस कर दिया था कि अगला साल आप लोगों को नागिन 7 देखने को जरूर मिलेगा। मैं इसी उम्मीद में हूँ कि ये जो रूमर्स आ रहे हैं वो गलत हो, और जैसे हमारे बीच में एक छोटा सा प्रोमो कह लीजिए, टीजर कह लीजिए जो लॉन्च किया गया था, वैसे ही नागिन सीजन 7 के ऑन एयर का न्यूज भी आ जाए। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, या आप लोगों को क्या लगता है कि इस साल हमें नागिन सीजन 7 के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और बहुत जल्द मिलेंगे एक और धमाकेदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।